लॉकडाउन में नियमों की छूट मिलते ही लोग इतने लापरवाह हो गए हैं कि उन्हें न तो अपनी फिक्र है और न ही अपनों की। शासन और प्रशासन द्वारा बनाए गए नियम तो जैसे इन लोगों के लिए एक मजाक बन गए हैं। नियमों की अवहेलना करना इनकी फितरत में शामिल हो गया है। नियमों की अवहेलना करने का एक ऐसा मामला फतेहाबाद के रतिया इलाके में देखने को मिला है। रतिया के वार्ड नंबर 4 में देहाती मजदूर सभा द्वारा एक बैठक बुलाई गई। मसला महिलाओं द्वारा बैंकों से लिए गए कर्ज की माफी को लेकर था। इस बैठक में बड़ी संख्या में महिलाएं और सभा से जुड़े पुरुष जुटे थे, मगर अधिकांश लोगों ने न तो मुंह पर मास्क लगा रखे थे और न ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही थी। बड़े झुंड के रूप में लोग बैठक स्थल पर इकट्ठे थे। ऐसे में जरा सी चूक इलाके के लिए कितनी बड़ी घातक सिद्ध हो सकती है, ये अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। इलाके में कोरोना पॉजिटिव मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, वहीं इस पूरे मसले पर पुलिस प्रशासन का जवाब हैरानीजनक रहा। रतिया के थाना प्रभारी से जब बात की गई तो उनका कहना था कि मामला उनके संज्ञान में आ चुका है और मामले की जांच की जाएगी, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई होगी। न्यूज वन हरियाणा के लिए फतेहाबाद से सतीश खटक की रिपोर्ट। जो मीटिंग की थी उनका मुख्य उद्देश्य की है, असा ने जरा धरना प्रदर्शन असं कर रहे हैं भी अपने शहर के पिंड औरतों ने प्राइवेट बैंकों तो आवाज आ रही प्राइवेट बैंकों तो लोन लाए हुए हैं, क्योंकि ये ना जो 25,000 रुपया लोन लैन तो 28,500 रुपया भरना होंगे जी। इन्होंने अज जी स्थिति है साढ़े देश की, तो साढ़े हालात ने जोड़े भी लॉकडाउन करके लगातार 3 महीने हो गए, हरेक जिहड़ियां औरतां थोड़ा बहुत काम धंधा करदे सी आपणों आपणे घरे बैठिया ने, तो उन्हां कोले कोई किस्त भरन दा जरिया नहीं हैगा, पर ये जिहड़े प्राइवेट किस्तां वाले लगातार ही उन्हां नूं परेशान कर रहे ने, तो किस्तां वास्ते उन्हां नूं धमका रहे ने भी जे तुसीं लगातार किस्तां नहीं भरोगे तो थोड़े दुबारा तुहानूं इह जे लोन नहीं देवांगे असीं। इस करके असीं प्रदर्शन कर रहे हैं, तो असीं एक प्रोग्राम बना लिया भी असी औरतां कड़ियां ने साडियां भैणां ने, तो इन्होंने बहुत मजबूरी से इन्हों जो इन्होंने करजे लिए थे, करजा जो इन्हों तो चक्या किस्तों राही ये भर रही सी, किसी तो नहीं भरया जाता, तो उन्होंने प्लान। देखिए अभी ये मामला मेरे संज्ञान में आया है, इस मामले का पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है और जांच के बाद जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई मतलब आई है। इनके ऊपर किसी प्रकार का जांच करें, जांच के बाद जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई मतलब आई है।